दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नामदोनु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज पूरी दुनिया के इंसान दिल के इत्मीनान को ढूंढ रहे हैं। जितना दिल के इत्मीनान को ढूंढ रहे हैं, उतनी ही बेचैनी बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिल का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिक्र करने वाला जैसे जिंदा और जिक्र ना करने वाला जैसे मुर्दा। जिक्र से अल्लाह का ध्यान पैदा होता है, अल्लाह का ध्यान इंसान की तरफ होता है तो बुराइयों से रोकता है और अच्छी काम की तरफ आमदा करता है। अल्लाह का जिक्र करने वालों का तज़किरा फरिश्तों की मजलिस में करते है। हर हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम तुम्हारी मजलिस में याद करो, मैं तुम्हें इससे अफजल मजलिस में याद करूंगा। इंसान जिंदगी में जिस कामों की फिक्र में लगा रहता है, मरते वक्त वो चीज उसी के सामने आती है। एक साहबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अफजल अमल क्या है जिससे अल्लाह के करीब हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरते वक्त तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र करता रहो। ये जब हो सकता है जब जिंदगी में जिक्र का एहतमाम हो। अल्लाह हम सबको कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम।